वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज रामंतापुर अंबरपेट के पास और यहाँ पर बहुत शानदार मैं आप लोगों को किटन कैट्स बतलाऊंगा और स्पेशली होलसेलर हैं तो आज हम बात करेंगे भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अबू बकर भाई। आज क्या यानी कौन सी क्वालिटी बतलाने वाले हैं आप? इंशाल्लाह आपको जो है ना डबल और ट्रिपल कोट में किटन्स बताऊंगा मैं। सारे का कलर्स अवेलेबल है, थोड़े सेमी पंच में भी किटन्स है और एक स्टैटिक सर्विसेज के लिए जो मेल से मेरे पास वो भी बताऊंगा। और क्या क्या फैसिलिटीज है आपके पास भाई? मेरे पास देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बिस्मिल्लाह बोल के बोर्डिंग स्टार्ट करा मैं। जैसे कोई बाहर जाना चाहे या किसी को 2 या 3 डेज के लिए या 1 मंथ के लिए भी रखना है मेरे पास किटन, वो आके मेरा प्लेस विजिट करिए भाई पहले। उसके बाद में इंशाल्लाह बातचीत करके अपन जो है ना प्राइजेस और जो है कैसा रखना है आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी क्या क्या फैसिलिटी आप रखेंगे उसके अंदर बोर्डिंग में? देखिए भाई अभी तो बोर्डिंग्स का ऐसा है कि लोग नॉर्मली केजेस वो बताते हैं, मेरे पास तो ओपन रूम से अल्हम्दुलिल्लाह तो कैट्स को जो है ना ओपनली जैसे आप घर में रखते हैं इंशाल्लाह वैसा ओपन रखकर रखते बिल्कुल फ्रेंडली जैसे रहते वैसे रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले किससे स्टार्ट करने वाले आप? जी भाई इंशाल्लाह मैं देखिए ग्रे कलर के किटन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और क्या रेंज रहने वाले आज मिनिमम टू मैक्सिमम? इंशाल्लाह 3500 से लेके मेरे पास जो है ना 10,000 तक के रहेंगे इंशाल्लाह। यानी क्वालिटी वाइज प्राइसेस भी वैसे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनसे। और स्पेशली और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, वीडियो बहुत लेंथी रहेगी, देखिए बहुत सारे इसमें किटन कैट्स रहेंगे देखने के लिए आप लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है? जी भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखिए हैदराबाद में भी रहने दो बाहर भी रहने दो, जैसा आपका अगर हैदराबाद में यहाँ से कहीं लेकर आकर देना है यूबर के हिसाब से चार्ज करूंगा अभी मैं, और जो बाहर का ट्रांसपोर्ट है स्टेट वाइज जो है ना ट्रेन के हिसाब में रहेगा। यानी जो प्राइस आप बतलाएंगे वो किटन्स और कैट्स के ही रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अलग एरिया वाइज अलग अलग ट्रांसपोर्ट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है आपके पास दो ग्रे कलर का मेल एंड फीमेल का पेयर है, मेल एंड फीमेल का पेयर है और दोनों भी डॉल फेस में है। जी दोनों भी डॉल फेस में है। ठीक है, और क्या एज है इनकी भैया? इन लोगों की अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स है भाई। 3 मंथ्स ओल्ड है? जी 3 मंथ्स ओल्ड है। और सेम कलर है यानी मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं आप, बहुत एक्टिव है। कहीं से भी लीजिए, मैं हमेशा बतलाता हूँ आप लोगों को, यानी एक्टिविटी देख के लेना है जरूरी है, यानी ये डलनेस नहीं रहना है इनके अंदर, एकदम एक्टिव रहना है। ओके, देखिए मैं और एक चीज़ बता दूँ, अक्रम डेयरी फार्म का जैसे पेट्स क्लिनिक है तो वहाँ पर डॉग्स कैट्स बर्ड्स और सभी पेट्स, गोट शीप्स तो बहुत सारे आते रहते हैं वहाँ पर, हॉर्सेज भी, इन सब के वैक्सीन भी अवेलेबल हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह फ्री कैंप्स भी हम करवाएंगे वहाँ पर, तो आप लोग फैसिलिटी उठाइए तो वहाँ पर भी आप लोग वैक्सीन करवा ले सकते हैं इनका लाकर। तो अभी क्या प्राइस का पेयर है भाई? देखिए इसका इंडिविजुअली जो है ना 58 कोट करूंगा, 5800 रुपीस आज करूंगा ईच वन 5800 है जी भाई। अगर पेयर लेंगे तो इंशाल्लाह 11,000 रुपीस कर देंगे। अच्छा, पेयर अगर लेंगे तो 11,000 में दे देंगे आप इंशाल्लाह। ओके, ट्रांसपोर्ट कहाँ तक करवा रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई ट्रांसपोर्ट तो देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया की, एक कश्मीर छोड़ के दूसरे हर जगह पर जो है ना जी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, इंशाल्लाह कश्मीर का भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। सर्दी के तरफ से किटन्स को इतना दूर भिजाना मुश्किल हो रहा है जरा। बिल्कुल ठीक है, चलिए नेक्स्ट में फिर ये है आपके पास और ये हिमालयन है। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हिमालयन का पेयर है? नहीं भाई, दो भी फीमेल्स है। दोनों फीमेल्स है और दोनों ब्लू आईज है? हाँ दोनों ब्लू आईज है, एक जो है ना सेमी पंच में है, ये वाली सेमी पंच जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, और ये जो है ना ये डॉल फेस है और फर क्वालिटी अच्छी है इनकी। कितने डेज के हैं ये भैया? 2 मंथ्स 15 डेज के भैया। 2 मंथ्स 15 डेज जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, यानी नियरली 85 डेज के आसपास है। 85 डेज से 90 डेज के बीच। ओके, और क्या प्राइस है इनके भाई? इसके 7000 ईच आज कर रहे हैं। 7000 ईच वन है जी। और ये सर पे येलो मार्क क्या क्या है? ये भाई बचपन में जो इन्होंने है ना मेहंदी के कटोरे में सर रखकर सो गए थे। अच्छा, इसका ओरिजिनल कलर नहीं है भाई इसका जी, क्योंकि ऐसे कलर नॉर्मली आता नहीं भाई, आप देख सकते हैं जी, इस वजह से मैं क्लियर कर लिया यहाँ पर, पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट है ये, चले जाएंगे कलर इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके जो मार्किंग है आप हिमालयन की देख सकते हैं, इनके जो कान और जो नोस होती है, पैर के सारे 4 पॉइंट्स और टेल के अंदर ब्लैक मार्किंग आप बिल्कुल फ्री साफ देख सकते हैं, देखिए हिमालयन की जो पहचान है। और इसका प्राइस क्या बोले थे आप? 7000 रुपीस डॉल फेस का भाई और 75 इसका 7000, ये सिंगल जो डॉल फेस है इसका है और जो सेमी पेंच है उसका 7500। ये नेगोशिएबल भी रहेंगे जी इंशाल्लाह, जरूर नेगोशिएट करके ही देना इंशाल्लाह। ओके, शौक बढ़ाना है इंशाल्लाह, बिल्कुल कम से कम करके ही देना। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट ये है फॉन कलर में, और इसके अंदर कौन से है भाई? दो डॉल फेस में है और एक सेमी पंच में है।
सेमी पंच कौन सी है इसमें? ये राइट साइड का टोटल राइट साइड, बिल्कुल हल्का सा पंच है इसमें। हाँ, हल्का सा है। और ये दो डॉल पे से? जी डॉल पे। इसमें सेंटर वाली ब्लू आई से ये भी येलो हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे जी। जी, और जैसे लुकिंग में ब्लू आ रही, बहुत सारे लोग ब्लू बोल के देंगे लेकिन ये नॉर्मल ही है। देखिए, आके चेक करिए आप लोग, देख के लिए। इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? भाई इसमें थ्री भी मेल्स ही है मेरे भाई, तीनों भी मेल्स है। हाँ, ओके। आकर विजिट करिए भाई, मैं भी बोलूंगा, आकर देखे तो ही चीज समझ में आएंगी, वीडियोस में या वीडियो कॉल में उतना समझ में नहीं आएंगी चीज। क्या प्राइस की है इसमें? इसका भी सेम जो है ना, मैं 5800 ईच का आस्क कर रहा हूं। 5800 ईच वन है जी, और ये भी नेगोशिएबल है जी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट में फिर आपके पास ये है, और ये तीनों सेमी पंच है जी। हाँ, तीनों जो है ना सेमी पंच है ये। देखिए, सेमी पंच के अंदर भी आप, जैसे मैं बतलाया था आप लोगों को, आंखों के पास इनके मैल जमा होता है, और हल्का सा जो नीचे के लिप्स है वो अपर साइड में टर्न होते हैं। और तीनों का भी देखिए आप, यानी फेस सेम इक्वल देखेंगे। ये तीनों फीमेल से? हाँ, तीनों फीमेल। और क्या एज है इनकी भैया? इन लोगों की जो है ना 3 मंथ्स एज है। 3 मंथ्स ओल्ड है। लेंथ ज्यादा होने की वजह इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जो इनके मेल है ना, उनके तरफ से जो है इनकी लेंथ आई हुई है ऐसी, यानी इनका जो फादर की लाइन है उनकी वजह से जी। ओके, क्वालिटी भी देख सकते हैं कैट्स की। सिर्फ 3 मंथ्स के जी, माशाल्लाह साइज बहुत अच्छा हो गया इनका। क्या प्राइस के ईच वन है भैया? इन लोगों का देखिएगा 7000 आस्क कर रहे हैं। 7000 ईच वन है। ओके, वो मेल लेके ये वाला स्टड मेल है, और इससे यानी ये रिजल्ट आया हुआ है जी। ये रिजल्ट आया हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही शानदार और बहुत लेंथी। और ये भी देखिए, बहुत अच्छे सेमी पंच के अंदर येलो आईस है इसके, और कलर बहुत खूबसूरत है। तो ये अभी स्टड सर्विस के लिए यूज़ करें हम? जी, स्टड सर्विसेज के लिए ही है। ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह गाना इसके तो और ट्रिम करा हमने। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी फर क्वालिटी इससे भी अच्छी है इसकी। ओके, तो अभी 7000 ईच वन में ये जो किटन से फीमेल ये देंगे आप जी, और ये स्टड सर्विस के लिए। ठीक है, कंडीशन भी बोल्ड है इसकी माशाल्लाह अभी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपके पास में ये वाइट किटन्स है, और ये कौन से आइस में है? एक ब्लू आइस है इसमें, दो ब्लू आइस है। ब्लू आइस दो कौन से हैं? ये अच्छा, इधर कोने में ये वाली है, ये तो है। देखिए ब्लू आइस, यानी आप थोड़ा सा हाथ में लीजिए उसको जी। ये वाली ब्लू आइस है, और ये बहुत क्यूट किटन्स। येलो एंड ब्लू आइस के अंदर डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। देखिए सामने बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है, और ये जो है ना नॉर्मली है। ठीक है, तो ये कितने डेज ओल्ड है भैया? ये जो है ना आपको 2 मंथ्स, वही 3 मंथ्स रहेंगे भाई इंशाल्लाह। ये भी नियरली 3 मंथ्स ओल्ड है, और तीनों भी डॉल फेस में, चारों भी। हाँ, चारों डॉल्फेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखिए मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं इसमें? हाँ, इसमें दो मेल हैं, दो फीमेल हैं। दो मेल्स हैं और दो फीमेल्स हैं। और क्या प्राइस के ईच वन है? या ब्लू आइस के जो है ना 7000 आस्क कर रहा हूँ, नॉर्मल आइस के 6000। ब्लू आइस के 7000 ईच वन है, और नॉर्मल आइस वाले 6000। ये नेगोशिएबल है जी, नेगोशिएबल। और देखिए प्राइस वैसे कम हो जाता है, लेकिन लोग जैसे बार्गेनिंग करवाते, फिक्स प्राइस जो कम से कम वाला है वो बोलने की बात भी कम होते, इस वजह से थोड़ा बढ़ के बतलाते। प्राइस कम हो जाएंगे, आप लोग डायरेक्टली कॉल कीजिए, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में फिर से बतला दूँ, ये सेपरेट रहेगा अलग से। और जो आप कम प्राइस के बतलाने वाले थे 3000 वाले, वो कौन से? ठीक, नेक्स्ट में आपके पास पूरे जेड ब्लैक कलर के भी एक पेयर है, तो ये मेल फीमेल है? हाँ, नहीं भैया, दो भी फीमेल्स हैं। दोनों फीमेल्स हैं। हाँ। और क्या एज है इनके भी? इनकी भैया 3 मंथ्स अप्रॉक्सिमेटली। 3 मंथ्स ओल्ड है जी। एक पूरा जेड ब्लैक है, और इसके अंदर हल्के से वाइट फर है ना? हाँ, वाइट फर है जी। और क्या प्राइस के हैं? इसका 3500 है। 3500 ईच वन है, और ये भी नेगोशिएबल रहेगा जी इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत करके दे देंगे इंशाल्लाह। यानी आप जैसे स्टार्टिंग में बतलाए थे, फाइनली ये 3000 में आ जाएंगे, 3000 में फिक्स में मिल जाएंगे ईच वन। ओके, और कुछ है आपके पास? नेक्स्ट में आपके पास फिर ये एक ब्लू आइस में, हाँ, मेल है या फीमेल है? ये फीमेल है भाई, फीमेल है। डॉल फेस के अंदर बहुत खूबसूरत। अच्छा, हीट पे है, आज ही मीटिंग हो गई, स्टार्ट हो गई मीटिंग। क्या एज है इसकी? इसकी देखिए 2 इयर्स 2 मंथ्स है इंशाल्लाह। और बहुत क्यूट है माशाल्लाह, स्पॉटलेस वाइट है। देखिए क्या एज है बोले थे आप इसकी? 2 इयर्स 2 मंथ्स। 2 इयर्स 2 मंथ। नॉर्मली मेटिंग कितने टाइम के बाद करवाना चाहिए किटेंस को? मैक्सिमम मेरे हिसाब से भाई 2 हीट स्किप कराना, और अप्रोक्सीमेटली जो है ना फीमेल कम से कम 13 या 14 मंथ्स की हो। कई लोग हीट पहचान नहीं सकते, तो एज क्या होना चाहिए उनकी?
केस देखिए भाई, मेरे हिसाब से ऐसा स्टैंड देते हुए एक्चुअली ना आप इस पे गौर कर सकते हैं जी, जो स्टैंड दे रहे हैं ना ये हीट में आने के वजह से स्टैंड देकर वॉइसेस बनाते हैं फीमेल कैट्स। ओके, कितने महीने के बाद आते हैं? सिक्स मंथ्स के बाद स्टार्ट हो जाता है, मीटिंग अपन कराने नहीं जब, यानी नॉर्मली नाइन मंथ्स में करवाना चाहिए। नाइन से टेन मंथ्स करना होता है। ठीक है, तो ये क्या प्राइस में है आपके पास भैया? इसके जो है ना मैं 7800 रुपीस आस कर रहा हूं। 7800 जी। ओके, और लास्ट में आपके पास फिर एक और पेयर है, ये वाला। हाँ, ये ब्राउन कलर की फीमेल है भाई। फीमेल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मेल के वैसा एकदम बोल्ड और लुकिंग अच्छी है इसके। हाँ, एक बार बच्चे दे दिए सो है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 5 किलोस दिए थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हीट में आके मेटिंग होके 6 डेज हो रहा है। अच्छा, मेटिंग यानी कंफर्म हो गई, 6 डेज हो रहा है। 6 डेज है। ओके, वेरियस मिल जाएंगे। क्या एज है बोले आप इसकी? देखिए 16 मंथ्स है। 16 मंथ्स, और क्या प्राइस है भैया इसका? मैं आस्क करूँ 6500। 6500 जी। ओके, और ये वाली? ये वाली भी फीमेल है भाई। ये नॉर्मल फेस में है? ये नहीं जी, वो थी उसको। अच्छा, यानी वो बोर्डिंग के लिए आई हुई थी अभी जो स्टार्ट कर रहे थे, अब ये वाली आपकी है जी। और माशाल्लाह पूरा टाइगर लुक, बहुत ही खूबसूरत। रिसेंटली बच्चे दे दिए थे भाई। हाँ हाँ, और 2 किटल्स दिए उन्हें बाइक का टाइप, फर्स्ट टाइम था इनका जी। इंशाल्लाह आएंगे 1-1.5 महीने फिर से हिट में आ जाएंगे। ओके, क्या प्राइस है इसका? इसका भी सेम है 6500। ये भी नेगोशिएबल रहेंगे जी, इंशाल्लाह। ओके, चलिए, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, तो जिसका जो भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस बतलाऊंगा मैं, टाइटल में नंबर रहेगा, उस पर कॉल कीजिए आप लोग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।